मेरी आप जो है पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि यूपी टीजीडी पीजीडी की भर्ती जो है वो अक्टूबर के लास्ट में आएगी, ठीक है। और वो अक्टूबर के लास्ट में आ गई थी, उसमें मैंने कहा था शिक्षक के अंदर पद होंगे शिक्षकों के, और प्रवक्ता के मतलब उसके अंदर सहायक अध्यापक होगा कि प्रवक्ता होगा, प्लस आपके जो प्रधानाचार्य होंगे उसके भी जो है उसके अंदर पद शामिल होंगे। मैंने कहा था कि बाबू और चपरासी की जो उसमें क्लर्क होते हैं उसमें इंटर कॉलेजों में और चपरासी होते हैं तो सब अपना अपना काम करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है अब जो होगी जो भर्तियाँ जो अब आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही प्योन की, प्योन और क्लर्क, ये दो भर्तियाँ जो हैं आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप देखते हैं कि वर्क जो होता है ये अपना अपना काम करते हैं। अब माना कि अगर पढ़ाने का काम है तो वो तो टीचर करेगा, जो पढ़ाने का काम होता है वो टीचर करता है, पानी पिलाने का काम तो करेगा नहीं। सीधी सी बात है, विंटर कॉलेजों में जब सारे के सारे टीचर बन जाएंगे, सारे के सारे जो हैं और प्रधानाचार्य बन जाएंगे, तो चपरासी कौन बनेगा, क्लर्क कौन बनेगा, इसकी भर्ती कहाँ से आएगी, इसकी भर्ती भी जो आयोग करेंगे। 2000 मैं आपको बता दूँ, सालों साल भर्ती अटकी पड़ी, 2008 के बाद से इंटर कॉलेजों में कोई भर्ती नहीं हुई है, बाबुओं की नहीं हुई है और क्लर्क और जो सॉरी बाबू और मतलब चपरासियों की, क्योंकि मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं, एडिट कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से वो चपरासियों को भर्ती प्रिंसिपल के हाथ में होती है, प्रिंसिपल अपने मैनेजमेंट के थ्रू भर्ती कर लेते हैं, ठीक है, ले देंगे जो भी कुछ है, ठीक है। मैं क्योंकि क्या होती है, चपरासियों को भर्ती आयोग से नहीं होती है, आयोग से चपरासियों को भर्ती, बाबू की भर्ती आयोग से नहीं होती है, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में रहता, मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। और चपरासी को लगाना सैलरी गवर्नमेंट देगी, पर मैनेजमेंट के हाथ में रहता था पहले, पर अब ऐसा नहीं है। अब जब आपने देखा होगा अभी 1-2 महीने पहले गवर्नमेंट ने निकाला कि अब जो होगी जितने भी जैसे कि कक्षा 8 तक के स्कूल हो गए सहायता प्राप्त और 1 से लेकर 5 तक के हो गए ये स्कूल, इसमें भी जो टीचर की भर्ती होती थी सहायता प्राप्त वाले विद्यालय उसमें मैनेजमेंट रखते थे, है ना, साहब बीएड करा हुआ आ जा भैया और टेट करा हुआ आ जा, इस तरीके से करते थे मैनेजमेंट पर। अब क्या उसमें भी सरकार ने कह दी, जो आप जो आपने देखा होंगे टेट वालों की 4000 वैकेंसियाँ आएंगी, सहायता प्राप्त एडिट कॉलेज होते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के, जैसे सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज होते हैं टीजीडी पीजीडी वैकेंसी आ चुकी है, वैसे 4000 के आसपास मतलब 4500 के आसपास भर्तियाँ ये भी आएंगी आपके लिए। ऐसे ही जब ये भर्ती हो जाएंगी तो फिर इसके बाद जो अब होंगी इसके बाद फिर होंगी चपरासियों की और बाबुओं की भर्ती, ठीक है, 4500-4000 के आसपास जो है, 4000 के आसपास जो है भर्ती आएगी, ठीक है। तो 4500 भर्ती क्यों लिख रहा हूँ, 4500 आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में कि सहायता प्राप्त जो कक्षा 8 तक के स्कूल जो होते हैं सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट प्योर वाले, एक होते सहायता प्राप्त, उसमें सैलरी वही रहती जो एक प्राइमरी के टीचर को मिलती सैलरी, ठीक है, पर उसको रखने का अधिकार पहले मैनेजमेंट को था, पर अब सरकार ने उनसे अधिकार छीन लिया गया है, जैसे इंटर कॉलेजों में जैसे होते हैं जब टीजीडी पीजीडी एग्जाम कराएंगे उसके बाद आप मैनेजमेंट जो सरकार के अकॉर्डिंग जो रखे जाएंगे टीचर वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो हैं अब जब सब अपना अपना काम करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, प्रधानाचार्य अपना काम देखेंगे, जो भी कुछ राउंड वगैरह जो होंगे स्कूल का देख रेख करते हैं, अब जैसे ही जो है अब से बाबू और चपरासी काम कौन होगा, क्लर्क का काम कौन करेगा, क्लर्क का काम टीचर तो करेंगे नहीं और प्रिंसिपल करेंगे नहीं, तो कौन करेगा भाई, क्लर्क का काम क्लर्क करेगा, चपरासी काम चपरासी करेगा, तो इसकी भर्ती भी जो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, है ना, क्लर्क की भर्ती और जो है चपरासियों की भर्ती भी जो आपके लिए बहुत जल्द देखने को आएगी, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, है ना, तो बहुत से बच्चे कमेंट ही करते हैं, अरे सर आपको कुछ नहीं पता क्या, और यार अरे बेटे मुझे सब पता है, है ना, वो कहते नहीं है कि ये जो होते सन्स होते हैं ना बेटे वगैरह, तो इसलिए बर्ड यूज़ कहते हैं, मुझे सब पता है कौन सी भर्ती में क्या है क्या नहीं है, है ना, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपने देखा भी होगा, मैं थंबनेल में लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर्स जो हों या ना हो मुझे तो कुछ लेना देना है नहीं कि वो क्या हैं, मैं जॉब पर हूँ मैं लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। सीधी सी बात है कि पता रहती है कि चपरासी की भर्ती जो है, बाबू की भर्ती जो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और आएगी भी, ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं आए तो बात कहने की है, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, पहले ये भर्ती हो जाएगी ये इंटर कॉलेज में टीजीडी पीजीडी की, इसके बाद ये टीचर की जब भर्ती हो जाएगी और जब इसके बाद प्रधानाचार्य का विज्ञापन आ जाए एक दो दिन के अंदर रिलीज होने वाला प्रधानाचार्य, प्लस मैं आपको बता दूं और हाँ इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है कंप्यूटर के टीचर की पहले भर्ती नहीं होती थी, जो कंप्यूटर और मतलब बायोलॉजी
कंप्यूटर बायोलॉजी के टीचरों की भर्ती जो थी वो इसमें ऐड नहीं करी थी, जो अभी जो विज्ञापन निकला टीजीडी पीजीडी का है ना 15,000 के आसपास, 12,000 टीजीडी के, 2-3,000 ये, इसमें जो है लगभग जो है इसमें कंप्यूटर बायोलॉजी के टीचर की वैकेंसी नहीं थी, पर अब जुड़ेंगी क्योंकि लड़के हंगामा वगैरह कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी भी जोड़ी है, हम तो बीएससी करे हुए हैं बॉटनी वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जो भी कुछ है इसमें बायोलॉजी वाले, तो वो कहाँ जाएंगे? सीधी सी उन्होंने कहा है कि हमें इसमें अपॉर्चुनिटी दीजिए जो इनकी जो साइंस वाली विज्ञान वाली जो वैकेंसी है ना, विज्ञान वाली साइंस वाली जो वैकेंसी उसमें अप्लाई करने का, तो अप्लाई करने के लिए बायोलॉजी वाले साइंस में डालेंगे फार्म, ऐसा मतलब सुनने में आया, अभी अभी पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी इस पर, ठीक है। अब फिर जब कंप्यूटर के टीचर कहाँ जाएंगे, फिर कंप्यूटर वाले टीचर होंगे, सीधी सी बात है कंप्यूटर के टीचर भी जो रखे जाएंगे, तो ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी आएगी, फिर चपरासी बाबू की भर्ती और चपरासी बाबू की वैकेंसी क्लर्क वगैरह की, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है और मैं जो है वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते मैं बहुत बार कह चुका हूँ, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।